नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये दिया गया है जो कि वैकेंसी हमारी निकली हुई है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर यूपी की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद इसकी कट ऑफ डेट दी गई है जो अप्लाई करने की, वो 30/10/2023 दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 9/10/2023 से शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा आपका 3 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, यानी 3 वीक पहले ही आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो क्या क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर क्लियरली इसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, टू बी नोटिफाइड। एंड देन इसके बाद आगे देखते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो 9 तारीख से एक्टिव कर दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रुप 3rd की पोस्ट हैं, टेक्नीशियन ग्रुप 2nd की भी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो 3 वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रुप 2nd 3rd के लिए। टेक्नीशियन ग्रुप 2nd के लिए 6 नंबर ऑफ पोस्टें दी गई हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं यूआर के लिए 3, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 28 ईयर एंड टेक्नीशियन ग्रुप 3rd के लिए 25 ईयर, टेक्नीशियन के लिए 23 ईयर दी गई है, ठीक है। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर, एससीएसटी कैंडिडेट को 5 ईयर, एनपीडब्ल्यूडी यूआर कैंडिडेट्स को 10 ईयर, एनपीडब्ल्यूडी एससीएसटी कैंडिडेट को 15 ईयर, एनपीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से 60% मार्क्स के साथ। यूआर के लिए 5 नंबर ऑफ इंक्लूड 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस इन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस निल, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। उसी तरह टेक्नीशियन ग्रुप 3rd के लिए आप देख सकते हैं 1st क्लास बीएससी साइंस से होना चाहिए। यूआर के लिए 3 पोस्टें दी गई हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रुप की बात करें 2nd के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 10th होना चाहिए, आपके पास ITI होना चाहिए। ट्रेड वाइज आपको यहाँ दिया गया है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 2 पोस्टें दी गई हैं, 2 पोस्ट फिटर के लिए एंड 1 पोस्ट RAC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 1 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है उनके लिए दिया गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें निल है। एज लिमिट की बात करें तो 23 ईयर रखा गया है। उसके बाद इसके लिए लोकेशन जो रखी गई है एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली, लखनऊ, मुंबई एंड चेन्नई रखी गई है, ठीक है। इन 4 जगहों पे आपको सेंटर मिलेगा। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहेगा, प्लस GST इंक्लूड करना रहेगा, तो इन अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज़ की अप्रॉक्स आपको फॉर्म फीस पेमेंट करना रहेगा इसमें, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप हमें नोटिफिकेशन को हमारे नोटिफिकेशन को देख लेंगे, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात कर लें तो 2 आवर ड्यूरेशन का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स उसके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा कर लें तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। जो टेक्नीशियन ग्रुप 2nd जो टेक्निकल लड़के हैं उनके लिए अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 75 नंबर ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे और टॉपिक बेसिस, एंड 25% MCQ रहेंगे ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ डोमेन नॉलेज, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपका सिलेबस बनाया गया है कि 100 क्वेश्चन का रखा जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देख सकते हैं जो MSc वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिलेबस है। उसके बाद देखें आगे हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री की क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया, सिलेबस दिया गया है सॉरी। उसके बाद देखें हम टेक्नीशियन ग्रुप 3rd के लिए आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ एम्पलीट्यूड केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री। टेक्नीशियन ग्रुप 2nd के लिए आप देख सकते हैं फिटर ट्रेड, RAC ट्रेड, AAC और एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एंड फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए ये सिलेबस रहेगा लैथ मशीन, एंड RAC वाले कैंडिडेट्स के लिए ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज एंड जनरेटर, ये वो सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सिलेबस भी डिस्क्राइब कर दिया, टोटल आपका टेक्निकल ही सिलेबस रहने वाला है इसमें, ठीक है। और वो डोमेन से रिलेटेड जो भी उसने कहा था कि 75% थ्योरी बेसिस रहेंगे, तो वो कॉमन टू आर ट्रेड फिटर, RAC एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो 25 क्वेश्चन जो टेक्निकल रहेंगे वो आपके रहेंगे टेक्निकल बेस से, और जो 75 क्वेश्चन जो थ्योरी बेस कहा है तो वो वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड रहेंगे, जो कि आपको कॉमन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आगे, आपको फोटो साइज जो भी कुछ अपलोड करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि 100 से 200 KBA में फोटो साइज रखना है, 200 DPI का डायमेंशन रहने वाला है, ठीक है।
स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर को ध्यान रखते ध्यान से अपलोड करें, क्योंकि अगर उसको स्पेसिफाइड जितनी भी केबी में बोला गया आप उसको बना लें। अगर आपको नहीं पता चलता है तो बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फोटो कितने केबी में कन्वर्ट करना है और कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसका जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके के फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, क्लॉथ लगा हुआ है, इस तरीके से सीधा चेहरा नहीं एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह का फोटोग्राफ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो ये इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी रहती है। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया, कोई क्वेरी होता है आप इस क्वेरी पूछ सकते हैं, और आपको हेल्पलाइन ईमेल आईडी दिया गया, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।